औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। अच्छा फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR में शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये हमारे पास FBR का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, तो हम इसको रीड करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्ट NNDA पाकिस्तान कस्टम्स में शानदार वैकेंसीज़ का FBR में अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो ये है हमारे पास, ये एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस रीजन्स अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्ट NNDA पाकिस्तान कस्टम्स इस्लामाबाद एंड इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। यानी ये जो FBR के जो जितने भी इदारे हैं ना पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर, तो उन सब जगहों पर ये वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यानी पूरे पाकिस्तान में इनके जो वैकेंसीज हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास जी ऑफिस एंड एड्रेस। पहले नंबर पर है जी डायरेक्टरेट ऑफ NNDA कस्टम्स HQ इस्लामाबाद। यहाँ पे जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र BS14 है, 14 स्केल की जो वैकेंसीज हैं वो है जी 7 वैकेंसीज हैं, और RPM ऑपरेटर की जो BS11 है इसकी 25 वैकेंसीज हैं। और ये जो डोमिसाइल है रिक्वायर्ड, आल पाकिस्तान के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये टोटल 32 पोस्ट्स हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। वीडियो को गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टोरेट ऑफ NNDA कस्टम्स कराची। यहाँ पर जी असिस्टेंट सुपरवाइज़र की 7 सीटें हैं और RPM ऑपरेटर की 48 सीटें हैं, और ये डोमिसाइल सिंध वाले लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाली जो पोस्ट थी वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो नीचे वाले 48 और ये सिंध के लोग, यहाँ 55 सीटें हैं, ऑल ओवर सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेटा की सीटें हैं 3 असिस्टेंट सुपरवाइज़र की हैं, और 18 सीटें RPM ऑपरेटर की हैं, और ये टोटल मिला के 21 सीटें हैं, और यहाँ पे बलूचिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनके लिए कोटा मुसर होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टोरेट ऑफ NNDA कस्टम्स पिशावर। यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र की 3 सीटें हैं और RPM ऑपरेटर की 18 सीटें हैं, और यहाँ पर KPK के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 21 सीटें हैं, पूरे KPK ऑल ओवर KPK के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टोरेट ऑफ NNDA कस्टम्स लाहौर। यहाँ पर सुपरवाइज़र की 4 सीटें हैं, RPM ऑपरेटर की 21 सीटें हैं, और ये सीटें जो हैं टोटल मिला के 25 हैं, और ये पंजाब के लोगों के लिए हैं, ऑल ओवर पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो सीटें हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लोग इन 32 सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 55 सीटें सिंध के लिए हैं, बलोचिस्तान के लिए 21 सीटें हैं, KPK के लिए 21 सीटें, और पंजाब के लिए 25 सीटें हैं। ये टोटल मिलाकर हमारे पास बन जाती हैं 154। ये टोटल आर ओ पाकिस्तान मिलाकर ये 154 सीटें हैं पाकिस्तान के सब सूबों के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है जी डायरेक्टरेट ऑफ NNDA कस्टम्स HQS इस्लामाबाद। यहाँ पर ये जो सीटें हैं जी, ये डिवाइड की गई हैं सूबों के दरमियान। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं, किस किस सूबे को कितनी सीटें दी गई हैं। यहाँ पर हमारे पास है जी असिस्टेंट सुपरवाइज़र स्केल नंबर 14 है। यहाँ पर टोटल सीटें जो हैं जी असिस्टेंट सुपरवाइज़र की वो 3 सीटें हैं, सॉरी 7 सीटें हैं, जिसमें से पंजाब के लिए 3 सीटें हैं, इस्लामाबाद की 1 सीट है, सिंध अर्बन की 1 सीट है, और सिंध रूरल की भी 1 सीट है, और खैबर पख्तूनख्वा की भी 1 सीट है असिस्टेंट सुपरवाइज़र की। नेक्स्ट हमारे पास RPM ऑपरेटर BS11 स्केल की टोटल 25 सीटें हैं, जहां पर ओपन मेरिट की 2 सीटें हैं, पंजाब की 10 सीटें हैं, जिसमें मेरिट की 8 हैं वुमेन, पंजाब में मेरिट की 8 हैं वुमेन की 1 है और मिनोरिटी की 1 है, इस्लामाबाद की 5 हैं जिसमें मेरिट पर 4 हैं, वुमेन की 1 सीट है, सिंध अर्बन की 1 सीट है, सिंध रूरल की 2 सीटें हैं, KPK की 2 सीटें हैं, बलोचिस्तान की 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की 1 सीट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है,
और यहाँ पर जो अप्लाई है डोमिसाइल रिक्वायर्ड ऑल ओवर पाकिस्तान, यानी सारे पाकिस्तान के लोग यहाँ इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं तमाम सूबों के, और ये मिलाकर 32 सीट्स बन जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ NNDA कस्टम्स कराची, कराची में यहाँ पर टोटल जो है वो 48 सीटें हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान के वो स्टूडेंट्स वो जो कि ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि FBR में शानदार जो वैकेंसीज हैं लाजमी अप्लाई कीजिएगा। आगे मैं बताता हूँ इसीलिए तलीम क्या मांगी गई है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ग्रेजुएशन मांगी गई है और FSC मांगी गई है प्री इंजीनियरिंग के साथ, वो भी नीचे है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम सीटों की तादाद डिस्कस कर लें। यहाँ पे टोटल जो है वो 7 सीटें हैं। पहले ये जो असिस्टेंट की हैं सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की 7 सीटें, जिसमें सिंध अर्बन की 3 हैं और सिंध रूरल की 4 सीटें हैं। फिर RPM ऑपरेटर की टोटल 48 सीटें हैं, जिसमें सिंध अर्बन की 9 हैं, जिसमें मेरठ की 16 हैं, वुमेन के लिए 2 हैं, मिनोरिटी की 1 सीट है। सिंध रूरल के लिए 29 सीटें हैं, जिसमें मेरठ पर 24 है, वुमेन कोटा की 3 है, मिनोरिटी कोटा की 1 है और डिसेबल की भी 1 सीट है। और यहाँ पे जो डोमिसाइल है वो सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज मिला के यहाँ पर 55 बन जाती है। नेक्स्ट है बलोचिस्तान लोगों के लिए, मेरठ पे 3 सीटें हैं सुपरवाइज़र असिस्टेंट सुपरवाइज़र की, और जहाँ पे RPM ऑपरेटर की टोटल 18 सीटें हैं, जिसमें मेरठ पर 15 है, वुमेन कोटा की 2 है, मिनोरिटी कोटा की 1 है। बलोचिस्तान डोमिसाइल के होल्डर अप्लाई कर सकते हैं और टोटल सीटें मिला के जो है वो 21 बन जाती हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है जी डायरेक्टरेट ऑफ NNDA कस्टम्स पिशावर के लोगों के लिए, KPK के लोगों के लिए जी असिस्टेंट सुपरवाइज़र की 3 सीटें हैं और RPM ऑपरेटर की 18 सीटें हैं, जिसमें मेरठ पर 15 हैं, वुमेन कोटा की 2 हैं, मिनोरिटी कोटा की 1 है और खैबर पख्तूनख्वा डोमिसाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल मिलाकर 21 सीटें बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायरेक्टोरेट ऑफ NNDA कस्टम्स लाहौर, जहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइज़र की 4 सीटें हैं और टोटल सीटें जो RPM ऑपरेटर की वो 21 सीटें हैं, जहाँ पर मेरठ की 17 सीटें हैं, वुमेन कोटा की 2 हैं, मिनोरिटी कोटा की 1 है, डिसेबल कोटा की 1 सीट है, और ये टोटल मिला के 25 बन जाती हैं। और यहाँ पर पंजाब के डोमिसाइल के पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं इन 25 सीटों के ऊपर। तो ये था एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर वो मिलाकर 154 सीटें बन जाती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस किस सूबे को कितने कितने कोटे हैं और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, एज लिमिट क्या है, कितनी एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहले देख लेते हैं, हमारे पास असिस्टेंट सुपरवाइज़र BS 14 14 स्केल की जो वैकेंसी है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है जी बैचलर डिग्री इन बिज़नेस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर मैनेजमेंट में हो, कॉमर्स में हो बैचलर की डिग्री, और या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो हायर एजुकेशन से। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी मांगी गई है, इन MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल। आप लोगों को MS पावर पॉइंट का भी नॉलेज हो, MS एक्सेल का और पावर पॉइंट का नॉलेज भी होना चाहिए आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास। और एज लिमिट जो है यहाँ पर हमारे पास 25+30 18 से लेकर 25 साल और फिर 5 ईयर की यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है, यानी 18 से लेकर 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो पोर्टल मॉनिटर, ये RPM ऑपरेटर जिसे कहते हैं रेडियो पोर्टल मॉनिटर, जिसका स्केल नंबर 11वां है। और अगर आप लोगों ने FSC की हुई है ना प्री इंजीनियरिंग के साथ, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। कंप्यूटर के आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, MS वर्ड का, पावर पॉइंट का और MS एक्सेल का। और एज लिमिट यहाँ पर भी 18 से लेकर 30 साल मांगी गई है। तो ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जिन लोगों ने FSC की है ना प्री इंजीनियरिंग के साथ, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास है जी जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस, ये हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई का तरीका बताया गया है, ये आप लोग गौर से सुन लीजिएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नेशनल जॉब्स पोर्टल एट देयर लिंक। यहाँ पर ये NJP government.pk का एक पोर्टल बना हुआ है गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए, तो वहाँ पर आप लोग या घर में बैठ कर अप्लाई कर सकते हैं, या आप लोग किसी फोटो स्टेट की शॉप पर चले जाइएगा और उनसे कहिएगा कि FBR में जो वैकेंसीज आई हैं तो वह वो अप्लाई कर दें ऑनलाइन, तो वो भी आप लोगों को अप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है।
तो ये है जी हमारे पास, ये आई थी हमारी वीडियो। तो यहाँ पर इसमें कुछ कोटे वगैरह भी हैं 10 वुमेन के लिए, वो मैंने ऊपर सारे बता दिए हैं। तो ये रिलैक्सेशन उन्होंने दी हुई है यहाँ पर, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कास्ट बुद्धिश कम्युनिटी रिकॉग्नाइज ट्राइब्स ऑफ एक्स पार्ट आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान आल अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, उनके लिए एज में रिलैक्सेशन वो 3 साल की है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सिंध रूरल एंड बलोचिस्तान फॉर द पोस्ट इन BBS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, उनके लिए भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। रिलीज और रिटायर्ड पर्सन ऑफ द आर्म फोर्सेज से जो लोग रिटायर हैं उनके लिए 15 साल की रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुआ कम्प्लीटेड एल एस 2 ईयर्स कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस, वो गवर्नमेंट के मुलाजमी जिनकी 2 साल सर्विस हो चुकी है तो उनके लिए रिलैक्सेशन जो है FBR में वो 10 साल की है, और डिसेबल पर्सन के लिए भी 10 साल की है। विडो सन और डॉटर ऑफ अ डिजीज सिविल सर्वेंट हु डाइड वाइल इन सर्विंग, वो मुलाजमी जो कि अपने सर्विस के दौरान फाल पा चुके हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये मेरी थी आज की वीडियो, और ये एंड पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 3/11/2023 यानी नवंबर की 3 तारीख तक आप लाजमी अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये याद रखिएगा कि नवंबर की 3 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन था आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।